अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। देखिए, शिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक। और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देख कर नकल नहीं कीजिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। भौतिकवादी इस समाज में भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, ये सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हार गया क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था। और राम जी ने रावण जैसे विशाल लंका के स्वामी को ध्वस्त कर दिया क्योंकि राम जी के पास उनके भाई लक्ष्मण का साथ था। इसलिए आप भाई भाई एक होके रखिए। बड़े भाई का कुछ कर्तव्य होता है, आपको सबसे ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। बड़े भाई का कहीं पे भी घर में कहीं पे भी पैसे लगेंगे तो ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगा, सब कुछ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर। और छोटे भाइयों और छोटे बहनों को भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का इतना गलत इस्तेमाल ना करें कि बड़े भाई या माँ बाप को बुरा लगे। वो भले आपको कितना डांटे, लेकिन आप अपने आप के लिए एक लेवल बना के रखिए कि ये इतना लेवल के आगे नहीं जाएंगे हम। कुछ लोग भाई बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे। हद है भाई साहब, कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में। मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीज़ों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीज़ें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना, दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करें। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, एक घंटा। और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। इस दुनिया रही बात करते, कोई हमारा साथ नहीं देता। इस बात को मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता है, उसे हराना असंभव होता है। अब याद रखिए, अब आपको जिन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष देखा, उन्हें हराना मुश्किल होता है, क्योंकि झूला अगर बहुत पीछे जाता है तो याद रखिएगा बहुत आगे का भी सफर करता है। इसलिए जिंदगी से संघर्ष से सीखना रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आप सबकी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी ज़रूरी है। ठोकरें खाकर भी न संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर को अपना फर्ज अदा कर चुके हैं।
और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला, भाई साहब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता, ठंडा मतलब वह चीज़ जिसका टेम्परेचर कम। बताइए किस लड़के को शौक नहीं होगा कि हम पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले समाज का नाम रोशन करें। जितनी ज़्यादा कामयाबी होती है ना, लोग उतने ज़्यादा गर्व करते हैं। छोटी सी कामयाबी होगी माँ बाप खुश होंगे, थोड़ा और बड़ा कामयाबी होगा पूरा मोहल्ला खुश होगा, बहुत बड़ा कामयाबी होगा पूरी राज्य खुश होते हैं लोग। अरे हमारे यहाँ के हैं ये, जैसे अब मान के चलिए किसी का तो अब्दुल कलाम जिस जगह के वहाँ के लोग गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ से अब्दुल कलाम है, कहते हैं कि नहीं। सीता माँ को लाने के लिए तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी, तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को कि भाग यहाँ से, तो इतनी इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक। वखून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वखून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वखून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। महाभारत देखिएगा, महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहाँ पे भी उनकी भाषा देखिएगा। आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरुजी से बात कर रहे हैं, ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहाँ लोग तहजीब भूल गए कि बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को शिक्षा लेनी थी ना, तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात कर, बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन किसी से पूछो, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तू कर रहा है खराब है ठीक कर दोगे जब हाल है।